हेलो एवरीवन, आई एम नौशाद सर। कंसेप्ट ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस मेनली 5 टाइप्स का होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ए बी और सी तीन रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट ए बी सी का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इस तरह का रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट केवल एक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक दूसरा एग्जांपल है, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट केवल एक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, यदि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस का दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट करके दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ए बी सी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यह टूट करके तीन सिंपल सब्सटेंस ए बी और सी का फॉर्मेशन करता है, तो यह एक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है। दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट केवल एक होगा और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक होगा, तो इस रिएक्शंस में कैल्शियम कार्बोनेट केवल एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक दूसरा एग्जांपल है, जब पोटासियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट केवल एक है और प्रोडक्ट दो है, पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। दोस्तों, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। केमिकल रिएक्शंस का तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वैसा रिएक्शंस जिसमें मोर रिएक्टिंग एलिमेंट लेस रिएक्टिंग एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ए बी सी से जब कंबाइन करता है तो ए सी का फॉर्मेशन होता है और बी अलग हो जाता है। तो यदि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है, जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और कॉपर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शंस में जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक दूसरा एग्जांपल है, मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और कॉपर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शंस में मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस के चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोस्तों, जब दो कंपाउंड अपने आयंस का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ए बी सी डी से जब रिएक्शंस करता है तो ए डी और बी सी का फॉर्मेशन हो जाता है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल कुछ है, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम कोलाइड से रिएक्शंस करता है तो सिल्वर कोलाइड का फॉर्मेशन होता है और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम कोलाइड अपने आयन का इंटरचेंज करके दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर के सिल्वर कोलाइड का फॉर्मेशन करता है और सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलकर के सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक एग्जांपल है। उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक दूसरा एग्जांपल है, जब बेरियम कोलाइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शंस में बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और सोडियम क्लोरीन से मिलकर के सोडियम कोलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। दोस्तों, जब दो सब्सटेंस अपने आयन का एक्सचेंज करके दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस का पांचवा टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जब एक ही रिएक्शन में होता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है। दोस्तों, जब कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। जब कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसे रिडक्शन कहा जाता है, और जब एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शंस करता है तो कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यह एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का एग्जांपल है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो कॉपर का फॉर्मेशन होता है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना यह रिडक्शन है। उसी तरह से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन से वाटर का बनना यह ऑक्सीडेशन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए यह एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का एग्जांपल है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का एक दूसरा एग्जांपल है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्शंस करता है तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव होकर के सल्फर का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर का बनना यह ऑक्सीडेशन है। उसी तरह से क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना यह रिडक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है जिसके वजह से क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का एग्जांपल्स है। हम कह सकते हैं कि जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो तो उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कंसेप्ट ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।